महिलाओं के लिए वजाइनल हेल्थ यानी वजाइना को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव यानी बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव अंग होता है, और इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि UTI। ऐसे इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस या यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन यहाँ पर बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो हम अपनी वजाइना का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, उसका हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन शायद हमें तरीका मालूम नहीं होता। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वजाइना का कैसे सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं, और साथ ही हम अपनी डाइट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करें जो हमारी वजाइना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज, और आप हैं जीवन कोच पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों वैसे वजाइना ऐसा अंग होता है जो अपनी क्लीनिंग खुद ही करता है, क्योंकि वहां पर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, इसीलिए वो सेल्फ क्लीनिंग करने में सक्षम है। लेकिन हमें भी उसका ख्याल रखना है, और हमें उसका ख्याल कैसे रखना है अब मैं बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको करना ये है, अगर आपके पास बाथ टब अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा टब नहाने का होता है या मग्गा, आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको एक मग में पानी लेकर, उसमें बीटाडीन नहीं है कोई बात नहीं, आपको उसमें छींटे मारनी है। बाथ टब है तो बाथ टब में आप 10 से 15 मिनट का आप अच्छे से अपना बाथ ले सकते हैं, बैठ जाइए, टब है टब में भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वजाइना को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको अपना वजाइना का जो एरिया है उसमें किसी भी तरह का साबुन, किसी भी तरह का परफ्यूम प्रोडक्ट, किसी भी तरह का वॉश प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि उसका जो वजाइना का जो पीएच लेवल होता है वो खुद ब खुद मेंटेन रहता है, जो कि 3.8 से लेकर 4.5 होता है। अगर इसके बीच में आपका पीएच लेवल है वजाइना का तो वो हेल्दी है, तो इसको मेंटेन, ये खुद ब खुद मेंटेन रहता है, लेकिन अगर हम इसमें साबुन या कोई भी परफ्यूम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो बिगड़ जाता है और वहां पर बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये सब चीजें यूज नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है, कई लोग जो होते हैं वो हमेशा ही पेंटी लाइनिंग का प्रयोग करते हैं, जो आजकल बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं, वाइट डिस्चार्ज के लिए होती हैं, वो हमेशा ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको हमेशा वो यूज़ नहीं करनी। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ आज आपका वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो आप यूज़ करें, हमेशा यूज़ करेंगे तो वहाँ का पीएच लेवल दोबारा बिगड़ जाएगा, तो आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पैड्स में कोई ना कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वहाँ का पीएच लेवल बिगाड़ देते हैं। अब आते हैं अपनी डाइट पे, हम क्या क्या चीज़ें ऐसी इंक्लूड करें जिससे हमारी वजाइनल हेल्थ इफेक्ट ना करे और वजाइना हेल्दी रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में दही को इंक्लूड करना है। अब आप बोलेंगे कि दही तो हमें ऐसी खाई नहीं जाती, तो दोस्तों दही का आप छाछ भी बना सकते हैं या दही की लस्सी भी बना सकते हैं। दही को वैसे भी चीनी डाल के खा सकते हैं, नमक डाल के खा सकते हैं, लेकिन दही को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और क्यों इंक्लूड करना है मैं आपको बताती हूँ। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरियाज को हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर देते हैं, तो वो गुड बैक्टीरियाज जब आपकी वजाइना में जाएंगे तो वो बैड बैक्टीरियाज अपने आप खुद ब खुद हट जाएंगे, तो इसीलिए दही को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक और तरीका है दही को इंक्लूड करने का, आप दही का पेस्ट बना लीजिए, दही को अच्छे से फेंट लीजिए, जब वो क्रीमी सा पेस्ट बन जाए तो उसे आप वजाइना पे लगा सकते हैं। हफ्ते में दो बार आप इसे ट्राई करें तो इससे आपको खुजली में, इरिटेशन में, रैशेज में बहुत राहत मिलेगी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप क्रैनबेरी यूज कर सकते हैं। क्रैनबेरी अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन सी, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए आप इसको डाइट में इंक्लूड करें। इसका जूस पी सकते हैं, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपकी वजाइना काफी हेल्दी भी रहेगी। अब आते हैं तीसरी चीज पे, एवोकाडो। अब देखिए दोस्तों, एवोकाडो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन एवोकाडो के जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो हमें किसी और चीजों में मिल सकते हैं। अगर आपको एवोकाडो मिले तो आप ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको वो एवोकाडो नहीं मिल रहा तो उसकी जगह आप संतरा, मौसमी ये ले सकते हैं। संतरा मौसमी बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ते दामों पे आपको उपलब्ध होता है, इसको आप पीजिए, संतरे का जूस पीजिए, फ्रेश संतरे का जूस पीजिए। आप टेट्रा पैक में जो होते हैं वो अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो ना लेके आप घर पे निकाल के संतरे का और मौसमी का जूस पी सकते हैं।
अब हमें अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां भी इंक्लूड करनी है। हरी पत्तेदार सब्जियां तो सभी को पसंद होती है और तरह तरह की वैरायटीज में भी बन जाती है, तो अगर आपको अपनी वजाइना को हेल्दी रखना है तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी होंगी। हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, धनिया, इन सब चीज़ों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी वजाइना के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी वजाइना को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। तो आपको अपनी डाइट में ये सब चीज़ें ज़रूर ज़रूर इंक्लूड करनी है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम फिजिकली क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप योगासन करिए, पावर योगा कीजिए। योगासन करने से, कोई भी योगासन हो, आपको इंटरनली हेल्दी रखता है, आपको एक्सटर्नली हेल्दी रखता है और साथ में आपको पॉजिटिव भी रखता है। इसीलिए अगर आपको वजाइना से कोई भी रिलेटिवली प्रॉब्लम है तो आप योगासन भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अब मालूम हो गया होगा हमारा वीडियो देख के कि हमें अपनी वजाइना को हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी ऐसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जीवन कोश को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।